हेलो एवरीवन, जो आज का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है गैस टरबाइन साइकिल और ब्रेटन साइकिल। अब ब्रेटन साइकिल इज ए कांस्टेंट प्रेशर साइकिल। ब्रेटन साइकिल इज ए कांस्टेंट प्रेशर साइकिल फॉर अ परफेक्ट गैस। इट इज आल्सो कॉल्ड जूल साइकिल। द हीट ट्रांसफर आर अचीव्ड इन अ रिवर्सिबल कांस्टेंट प्रेशर हीट एक्सचेंजर्स। जो हीट ट्रांसफर होगा वो किस में होगा? रिवर्सिबल कांस्टेंट प्रेशर हीट एक्सचेंजर में होगा। एन आइडियल गैस टरबाइन प्लांट वुड परफॉर्म द प्रोसेसेस दैट मेक अप अ ब्रेटन साइकिल। आइडियल गैस टरबाइन प्लांट के में ही क्या होंगी, ये सारी प्रोसेस परफॉर्म हो जाएंगी जो कि ब्रेटन साइकिल में होती हैं। ठीक, इसको हम देखेंगे एक स्कीमेटिक डायग्राम की हेल्प से और समझेंगे कि डिफरेंट प्रोसेस क्या है। पहली प्रोसेस, दूसरी प्रोसेस और तीसरी प्रोसेस। ऑपरेशन वन से टू जो प्रोसेस है, पहली प्रोसेस है वन से टू, उसमें क्या हो रहा है? द एयर इज कंप्रेस्ड आइसेंट्रोपिकली फ्रॉम द लोअर प्रेशर पी वन हियर टू द अपर प्रेशर पी टू। द टेम्परेचर राइजिंग फ्रॉम टी वन टू टू टी टू। ये टी एस डायग्राम है और ये पी वी डायग्राम है। इसमें देखेंगे टी एस डायग्राम में इजिली पता लग रहा है यहाँ टेम्परेचर टी वन कम है और टी टू ज़्यादा है, और इस डायग्राम की हेल्प से हमें पता लग रहा है P1 यहाँ पर कम है और यहाँ पर ज़्यादा है। तो पहली प्रोसेस क्या हो गई? आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो गया। ठीक है, किस में परफॉर्म होगा? ये कंप्रेसर लगा है, इसमें ये ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। नो हीट फ्लो अकर्स, बट इसमें क्या होगा? कोई हीट फ्लो कोई अकर नहीं हो रहा है। ऑपरेशन टू से थ्री में क्या है? द हीट फ्लो इन टू द सिस्टम इंक्रीजिंग द वॉल्यूम फ्रॉम बी टू टू बी थ्री एंड टेम्परेचर From T2 to T3, the pressure remains constant. P2 will be remain constant. तो heat received क्या हो जाएगा? MCP T3 minus T2. देखो इसमें क्या हो रहा है, दो से तीन प्रोसेस में क्या हो रहा है? प्रेशर कॉन्स्टेंट है और वॉल्यूम बढ़ रहा है। ठीक है, और टेम्परेचर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, हो जा रहा है 0.2 से 0.3 तक। ठीक है, नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है? द एयर इज एक्सपेंडेड आइसेंट्रोपिकली फ्रॉम प्रेशर P2 टू P1। इसमें क्या हो रहा है? जो हमारा स्टीम है या जो भी हमारा यहाँ पर गैस है वो क्या हो रहा है? आइसेंट्रोपिकली एक्सपेंड हो रहा है। आइसेंट्रोपिकली एक्सपेंड हो रहा है, यहाँ S में आप इजीली समझ सकते हैं। 0.3 से 4 में क्या हो रहा है? आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। ठीक है, टेम्परेचर फॉलिंग फ्रॉम T3 से T4। यहाँ टेम्परेचर T3 है और यहाँ टेम्परेचर T4 है। नो हीट फ्लो अकर्स, और इसमें भी क्या होगा? हीट फ्लो अकर नहीं होगा। ऑपरेशन 4 से 1 में क्या? हीट इज रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम एज द वॉल्यूम डिक्रीजेज। इसमें क्या हो रहा है? वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। कहाँ से कहाँ जा रहा है? यहाँ B4 से B1 जा रहा है। एंड द टेम्परेचर फ्रॉम T4 टू T1। टेम्परेचर कितना ड्रॉप हो रहा है? यहाँ T4 टेम्परेचर था, नया टेम्परेचर क्या आ गया? T1 टेम्परेचर ड्रॉप हो गया। प्रेशर रिमेन्स कॉन्स्टेंट, और यहाँ पर प्रेशर क्या है? कॉन्स्टेंट ही है। P4 और P1 क्या है? बराबर है। प्रेशर क्या है? दोनों कॉन्स्टेंट है। तो हीट रिएक्टेड क्या आएगा? MCP T4 माइनस T1। ठीक है, अब अगर इसका हम इफिशियंसी देखते हैं तो एयर स्टैंडर्ड इफिशियंसी क्या होगी? वर्क डन अपॉन हीट रिसीव्ड, जो हमने इसमें हीट इनपुट किया और जो वर्क डन हमें मिला। और वर्क डन हमें क्या मिला? हीट रिसीव्ड पर साइकिल माइनस हीट रिजेक्टेड पर साइकिल। और हमें पता है हीट रिसीव्ड और हीट रिजेक्टेड क्या हुई है। हीट जो रिसीव हुई है वो क्या हुई? MCP T3 माइनस T2। और जो हीट हमने ऐड किया था, जो हीट रिजेक्ट हुआ है वो क्या? MCP T4 माइनस T1। ठीक है, और हीट रिसीव्ड क्या हो गई है? MCP T3 माइनस T2। यहाँ से ये फार्मूला, ये सिंपल टेम्परेचर के टर्म में आ जाएगा। MCP सब कट जाएंगे, कॉमन लेंगे तो बनेगा 1 माइनस T4 माइनस T1 अपॉन T3 माइनस T2। अब देखो कौन सी यहाँ पर प्रोसेस है? आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। तो यहाँ से अगर हम कॉमन लेंगे, अभी देखो सिंपली क्या होता है, T2 अपॉन T1 इक्वल टू क्या होता है? P2 अपॉन P1 उसकी पावर गामा माइनस 1। यहाँ से T2 की वैल्यू अगर निकालेंगे, अगर हम P2 अपॉन P1 को RP ले लेते हैं, प्रेशर रेशियो, तो T2 क्या हो जाएगा? T2 इक्वल्स टू T1 इंटू RP की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर जब कॉमन लेंगे तो फाइनली हमारे पास क्या बचता है?
वन माइनस टी फोर माइनस टी वन अपॉन टी टू टी फोर आर पी के पावर गामा माइनस वन अपॉन गामा माइनस टी वन आर पी के पावर गामा माइनस वन अपॉन गामा। तो यहाँ से सब कुछ क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से टी वन माइनस टी फोर माइनस टी वन बाहर ले लेंगे और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि आर पी की पावर गामा माइनस वन अपॉन गामा हमने यहाँ कॉमन लिया, तो नीचे टी फोर माइनस टी वन बचा, ऊपर टी फोर माइनस टी वन है और वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली हमारी इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एयर स्टैंडर्ड इफिशियंसी का फॉर्मूला आएगा वन माइनस वन अपॉन प्रेशर रेशियो की पावर गामा माइनस वन अपॉन गामा। ठीक है, ये हमारा हो गया ब्रेटन साइकिल के लिए एयर स्टैंडर्ड इफिशियंसी का फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ पर एक इन्होंने डायग्राम से समझा रखा है एफिशिएंसी पे क्या फ़र्क पड़ेगा प्रेशर रेशियो के रिस्पेक्ट में। देख रहे हैं जब जीरो प्रेशर रेशियो है तो एफिशिएंसी क्या है, जीरो है, क्योंकि ये जीरो हो जाएगा, पूरा जीरो हो जाएगा। जैसे जैसे हम प्रेशर रेशियो बढ़ाएंगे तो हमारा क्या हो रहा है, एफिशिएंसी बढ़ रही है। ठीक है, एफिशिएंसी बढ़ रही है बट एक लिमिट के बाद ये एफिशिएंसी उतना नहीं बढ़ रही है, क्या हो जा रहा है, सेचुरेशन की स्टेट आ जा रही है। ठीक है, तो हम आर पी को एक लिमिट तक ही बढ़ा सकते हैं टू इंक्रीज द एफिशिएंसी, उसके बाद आर पी में चेंजेस लाने के बाद भी हमारी एफिशिएंसी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो ये था सिंपल ब्रेटन साइकिल, या इसको हम जूल साइकिल भी कह सकते हैं। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।